रेडी स्टार्ट। कोई कुछ भी कहे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संसद पर हमले के गुनहगार अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने का फैसला राजनीतिक बाध्यताओं के तहत लिया गया है। बावजूद इसके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और केंद्र सरकार को इसके लिए श्रेय देना होगा कि पहले अजमल कसाब और फिर अफजल को दी गई सजा पर अमल करके भारत ने आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। यह गौर करने लायक है कि प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिन फैसलों के लिए अपनी सरकार को राजी नहीं कर सके उन पर अमल करने उनके राष्ट्रपति बनते ही हो गया। 2001 में संसद पर हुआ हमला वस्तुतः भारत पर किया गया हमला था, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के लिए संसद उसकी अस्मिता, सम्मान और गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह हमला एक ऐसी दुस्साहसिक कार्रवाई थी जिसे कोई भी स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों, खासकर राजनीतिक से जुड़े अथवा उसमें रुचि रखने वालों के लिए इस फैसले के मायने 2014 के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन आम चुनाव के कारण नहीं बल्कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी का कारण। कसाब और अफजल को 2.5 महीने के भीतर फांसी पर लटकाकर भारत ने दुनिया को यह संदेश देने में सफलता हासिल की है कि जो भी हमारे खिलाफ युद्ध छोड़ेगा, हमें तबाह करने की कोशिश करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत समय बाद और शायद पहली बार भारत ने इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ अपनी शक्ति का परिचय दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना और अधिक महत्वपूर्ण है कि आम चुनाव के बाद नीतिगत स्तर पर पहले वाला ढीला ढाला रवैया फिर से नज़र न आने लगे। आतंकवाद और अलगाववाद की चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए एक फैसला एक प्रस्थान बिंदु बन सकता है। आंतरिक सुरक्षा के ढांचे की कमजोरियों किसी से छिपी नहीं है। नीतिगत दृढ़ता के अभाव में ही ये कमजोरियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। फांसी के जन फैसलों को राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा था। उन पर जिस तरह अमल किया गया उससे नीति नियंताओं को यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आखिर ऐसा ही इच्छा शक्ति का परिचय आंतरिक सुरक्षा की कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों सुधार की कोई भी पहले केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती कि उसमें कुछ न कुछ राजनीतिक जोखिम छिपा होता है? अगर आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के बिंदुओं पर पहले ही साफ सुथरा, स्पष्ट, दृढ़, पक्षपात रहित और पारदर्शी रवैया अपनाया जाए तो आतंकवाद के खतरे को बेहद कम किया जा सकता है। यह हकीकत राजनीतिक वर्ग जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। आतंकवाद के खतरे का जब भी जिक्र होगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उल्लेख अवश्य आएगा। पूरा विश्व जिस आतंकवाद की चपेट में है उसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं कि वह किस कदर अशांति और अस्थिरता से जूझ रहा है और वहां किस तरह राजनीतिक में भारत का एक बड़ा मुद्दा होता है।
भारत को जिन आतंकियों की तलाश है उनमें अधिकांश पाकिस्तान में बैठे हैं। हाल के समय में सीमा पर उभरे तनाव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। स्टॉप।